असलम एंड वेरी वेरी लवली गुड मॉर्निंग दोस्तों दी रॉयल शो विद वसीम हसन और आपने बहुत इन्जॉय भी किया अब दी रॉयल शो को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं अब रॉयल मॉर्निंग विद वसीम हसन होगी और आ, हम खूबसूरती की बातें करेंगे ब्यूटी की बातें करेंगे और ये आइडिया कैसे आया क्यों क्रिएट हुआ जो आज हम आपके साथ एक लाइव प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम आपको कहते हैं वेलकम सत बिस्मिल्ला जिया भले करिए आया ये आइडिया कैसे क्रिएट हुआ ये एक लंबी स्टोरी है आपसे हम शेयर करेंगे लेकिन हम बहुत सारे इवेंट भी कर रहे थे रिकॉर्डिंग चल रही थी वहाँ पर भी एक ऐसी खूबसूरत पर्सनैलिटी मिली मैं उन्हें पर्सनैलिटी का हम सेलिब्रिटी कहता हूँ उनसे आ, मैं जाती तौर पर इतना इम्प्रेस हुआ कि मैंने कहा सर इसको हमको ऐसा पाकिस्तान में कोई काम करना चाहिए जो खातिन के लिए स्पेशली हो तो उन्होंने चूँकि बहुत बिजी होते हैं तो उन्होंने थोड़ा सा टाइम मांगा लेकिन जब हमने उनको पकड़ लिया पकड़ने के बाद जब इसे डिस्कस हुआ तो उनका आइडिया आज से आपके सामने हम लेके आ रहे हैं और ये ब्राइडल गाला ये थ्रू और पूरा मंथ आप देखेंगे फिर इसका हम फनाले भी करेंगे ग्रैंड फ़ैनाले भी होगा बहुत कुछ बातें होंगी लेकिन आज बातें सिर्फ खूबसूरती की होंगी चूँकि ब्राइडल की बात करें हमारा कल्चर है हमारी सकाफ़त है कि शादियाँ होती हैं वेडिंग चलती है तो सबसे ज़्यादा जो मरकज़ निगाह होती हैं वो हमेशा ब्राइडर ही रही हैं तो आज से हम ब्यूटी की इस एक नई एक सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं तो मेरे साथ मौजूद हैं एक वो ही पर्सनैलिटी वो सेलेब्रिटी उनका थोड़ा सा मैं इंटरव्यू बताऊं डिटेल बातें तो उनसे बाद में करेंगे हमारे बहुत ही हर दिल अजीज़ ये शख्सियत हैं चौहान ब्यूटिलिंग कॉलेज जरा इस्लामाबाद की ये सीईओ हैं और पैन पाकिस्तान आप देखा होगा इंटरनेशनल पांच मुल्कों में बाकायदा ये टेक्निकल एडवाइजर अपने फरज़ मनसबी सर अंजाम देते हैं पाकिस्तान का शायद कोई ऐसा गाँव हो टाउन हो डिस्ट्रिक्ट हो जहां पर इन्होंने ट्रेनिंग नहीं दी इनकी हर जगह पर आपको स्टूडेंट नजर आएंगे जो माशाल्लाह वो बच्चियां खासकर वो ट्रेन होने के बाद अपने अपने सैलून चला रही हैं एक बाज़्ज़त रोज़गार वो कमा भी रही हैं तो हमने जब रिक्वेस्ट की तो उन्हें कहा जी आप सबसे पहले मेरे सैलून से इसका आगाज़ करें तो अब हम मौजूद हैं लाइव चौहान जो सैलून है रावलपिंडी से तो मेरी मात आपके मेरे हद नज़ीज़ सर एम ए चौहान साहब सर, सर आपको वेलकम कहते हैं सर बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच मैं भी आपको खुश आमदीद कहता हूँ वसीम और एम चौहान आप मुझे हमेशा एम ए चौहान कह देते हो तो एम चौहान का मकफफ़ है बहुत सारे लोग मेरा नाम पूछना भी चाहते होते हैं कि सर एम का क्या मतलब है ये तो मैं स्पेशली आज मुझे मेरी करेक्शन हो रही सर तो मैं आपकी इसलिए कह रहा हूँ कि आप माशा इतने तो बड़े बिग शो में आपने मुझे अनाउंस किया हुआ है अभी जैसे कि बहुत बड़े लाहौर में फ्लैटी होटल में भी तो एम का मतलब है अब्दुल मजीद तो एम चौहान का मेरा है तो थैंक यू वेरी मच क्या आप मेरी मेरे कॉलेज में आए मेरे इंस्टीट्यूट में आए तो आपने आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम और ख़ूबसूरती के साथ आप शुरू कर रहे हैं सर माशाल्लाह आप खुद खूबसूरत हैं और खूबसूरत बातें करते हैं और लोगों को खूबसूरत बनाने की तरगीब देते हैं ये बड़े एजाज़ की बात है मैं सबसे पहले आपसे मदद करूँगा चूँकि रूटीन में फ़्लो में मैं एम ए क्या जाता हूँ लेकिन आज से मैं एम ही कहूँगा तो आज एक और साथ खूबसूरत पर्सनैलिटी मौजूद है बेसिकली उनका काम भी ख़वात से रिलेटेड है चूँकि वो बारह साल से इस फील्ड में हैं और ख़ुशी की बात यह है अच्छी बात यह है कि वो चौहान ब्यूटीलिंग कॉलेज रावलपिंडी हैं उनकी वो प्रिंसिपल हैं मेरी मराद मैम अमारा जवेद साहबा हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं तो आगाज सर मैम से करते हैं सर जी जरूर आप तो हमारे उस्ताद भी हैं बड़े भाई भी हैं एंटायर हैं आप मैम आप इस तरफ क्यों आईं ये एक خاتون होने के लिहाज से एक लेडीज के ये सब की ख्वाहिश होती है ब्यूटी की तरफ जाना और ये मेरा शुरू से ही इसकी तरफ बहुत ज्यादा रुझान था तो फिर जब ब्राइडल देखना कुछ इस तरह तो फिर मेरा बहुत दिल करता था इसमें ये चीज़ नहीं इसमें यह होना चाहिए इसमें ये चीज़ नहीं तो फिर मैं बहुत ये करते 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 फिर मुझे इस फील्ड से शौक़ हो गया और ग्रेट दैट्स ग्रेट अब मैं सर चौहान साहब की तरफ आता हूँ सर जी माशा आप ऑलराउंडर हैं अल्लाह तौर ने आपको वो खूबियाँ दी हैं अब मैं खुद हैरान भी हो जाता हूँ बल्कि परेशान हो जाता हूँ कि आप के हाथों में अल्लाह तौर ने वो कैसी एक ऐसी ताकत दी है बल्कि मैजिक कहूँगा एक जादू है कि जब आप किसी के फेस पे या कोई मेकअप की तरफ आते हैं तो कमाल कर देते हैं लेकिन वही हाथ जब हम हेयर स्टाइलिंग तरफ आए हैं बालों को छूते हैं तो वहाँ भी मैजिक हो जाता है सर क्या राज क्या है आ, मैं समझता हूँ वसीम का कोई भी काम हो वो पैशन के बगैर नहीं है और कोई भी काम बेशक आप भी माशाल्लाह अपनी फील्ड में हो तो आपको इतना पैशन होता है कि आप माशाल्लाह कभी इस्लामाबाद होते हो कभी कोयटा होते हो कभी कराची होते हो कभी लाहौर तो आपको शौक है पैशन है आपका ना तो मैं समझता हूँ जो भी इस फील्ड से लोग हैं पैशन के बगैर कुछ नहीं है हम मेरा पैशन है और मेरा दिन रात मेरा ओढ़ना बछोना ये फील्ड ही है तो मैं जितना प्यार अपनी फील्ड से करता हूँ अगर कोई इस फील्ड को बुरा कहता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है कोई बंदा भी इस फील्ड को कहते हैं ना ये काम अच्छा नहीं है तो मुझे लगता है कि मैं इसको पकड़ के बताऊँ कि ये काम अच्छा नहीं इंसान अच्छा नहीं हो सकता काम बहुत अच्छा है ये इतना ईमानदारी वाला काम है कि इसके अंदर तो बेईमानी नहीं है यानी एक खतून आई बनवाती है ना तो एक बना ले तो दूसरी के बगैर तो पैसे नहीं देती एक बार रह दस दफा देखती ये बार रह गया ये बार रह गया वो पैसे नहीं देती तो ये काम इतना ईमानदारी वाला हलाल और तैयब रिजा इसके अंदर है मैं समझता हूँ कि आज के दौर में बहुत काम ऐसे हैं जिसके अंदर मिलावट के बगैर हो बिल्कुल सही सर आज से जो हमारा ब्राइडल गाला शुरू होने जा रहा है इससे पहले कि मैं अपने नाजरीन को बताऊ अपने को आप जरा बताएं कि क्या कुछ होने जा रहा है घर पे, पे, हाँ बैठे हुए जितनी ब्यूटिशियन है छोटी लेवल वाली है वो चाहती है कि हमारा भी नाम हो और बड़े लेवल वाले चाहते हैं कि हम ब्रांड बने और ब्रांड चाहते है कि हम इंटरनेशनल ब्रांड बने ये अल्लाह तला की तरफ से हमें ख्वाहिशें हर ख्वाहिश पे दम निकले तो हर बीबी का हक है हर बच्ची का हक है तो जब ये मेरा कॉलेज माशा काम कर रहा है बाद रावल पिंडी में पूरे पाकिस्तान में तो बहुत सारी खातन ऐसी हैं जो चाहती हैं हमारा नाम बने तो पहले भी मैंने बहुत सारे चैनल्स पर किया और अब आपके टीवी पर रॉयल टीवी का थैंक यू वेरी मच आपने और आपकी टीम पूरी ने मुझे आ, मौका दिया कि मैं उन बच्चियों को उन बहनों को उन बेटियों को पाकिस्तान के अंदर बताऊं कि कितना टैलेंट है बहुत टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में तो आप जितने इस गाला के अंदर क्या होगा कि हम लेटेस्ट चीजें दिखाएंगे लेटेस्ट मेकअप दिखाएंगे लेटेस्ट हम हेयर स्टाइलिंग दिखाएंगे और पूरे पाकिस्तान का जो सरमाया है ना ब्यूटी का वो हम दिखाएंगे जैसे कि आज के शो में आप देखेंगे कि लाहौर से मैडम आई हुई है ठीक है कराची से एक मैडम आई हुई है इस्लामाबाद से मैडम तो वो क्या कर रही हैं लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ जैसे पहले मेहंदी होती थी तो लोग मेहंदी लगाई है अब लेटेस्ट काम हो रहा है आज जो जो हम दिखा रहे हैं कि मेकअप में जा रही। तो, तो इसमें नाजरीन को ये बता दो आपको आप ब्यूटी गाल जो ब्राइडल गाल है इसके अंदर आपको पूरे पाकिस्तान का टैलेंट दिखाएंगे जी आप देखते रहेंगे इसमें दो तीन चीजें जो मेरी डिस्कस भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ चौहान साहब ने कहा एक तो हम ग्रास रूट लेवल पे जाके हमारी वो बच्चियाँ हमारी बेटियाँ हमारी बहनें वो जो चाहती हैं कच्चा रोज़गार कमाना एक तो अगर वो दूर हैं दूर दराज के इलाकों में वो नहीं पहुंच पाती तो एटलीस्ट उनका वो टिप्स है वो टेक्निक्स जो है वो हम लोग टेलीविजन पे सर के थ्रू अब बाकी जितने भी एक्सपर्टीज़ हैं जो एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू आपको दिखाए जाए दूसरा जो ऐसे ब्रांड हैं ख़ासकर जिन्हें प्रमोशन की ज़रूरत है अगर वो अच्छी प्रोडक्ट तो है उनके पास लेकिन वो जब तक एक अच्छा टेक्निकल एडवाइज़र उसको प्रमोट नहीं करेगा जब बताएगा नहीं तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा तो सर ने एक बड़ी अच्छी कावश की कि पैन पाकिस्तान से सारे अच्छे ब्रांड हैं हम किसी को ये तो नहीं कहेंगे वो अच्छा नहीं है सब अच्छे ब्रांड हैं लेकिन उस ब्रांड की ब्यूटी क्या है कि उसके अंदर जो एक चीज़ है जो हमारी खातन के लिए या उनकी स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है उनको भी साथ साथ हम हाईलाइट करते हैं जिस तरह आज हम सॉफ्ट uh, ग्लो है वो ब्रांड है आप उनकी बहुत सारी मेकअप की uh, चीज़ें भी देखेंगे uh, किस तरह से होती है वो भी आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं तो आज ये समझें कि आज हमारा जो पहला शो आपके सामने uh, हो रहा है ये सॉफ़्ट ग्लो भी इसमें आप भी अपनी प्रोडक्ट दिखाएंगे उसकी प्रैक्टिकली आपको अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं हमारी तमाम जो वो बहने व ख़वान जो ब्यूटिशन है मेकअप आर्टिस्ट हैं वो प्रॉपर तरीके से आपको लाइव मेकअप करते हुए दिखाएंगे इसमें वो कोई ड्रामा नहीं हम करेंगे जो मेरे साथी दूसरे चैनल में करते हैं कि जी वो हो गया कट करके फिर दिखा दिया कोई इमोशनल सीन नहीं है हमने अपनी बच्चियों को तरगीब देनी है वो ट्रेनिंग देनी है बिकॉज हमारे पास पाकिस्तान का कैसा एसेड मौजूद है कैसा एक्सपर्ट मौजूद है जो हमारा जो वेलविशियर भी है नोबल कॉज के तहत न सिर्फ अपना ना कालो चला रहे हैं चौहान साहब की मैं बात कर रहा हूं इन्होंने कहा कि मैंने वो हर उस बच्ची को सिखाना जिसमें शौक़ है लगन है ओक़ है क्योंकि ये एक बेहतर रोज़गार है तो आज हम इसी पे बात भी करेंगे मज़ीद चौहान साहब ये आ, 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 कमर्शल दौर आ गया हर बंदा कहता है जी पैसे आने चाहिए पैसे पैसे तो आपको भी आने चाहिए हम ये मानते हैं कि आप पाकिस्तान के बहुत महंगे आर्टिस्ट हैं लेकिन आप कई दफ़ा मेरे जैसे जो थोड़े से लो लेवल पे कह सकते हैं जो छोटे लोग हैं इन पर तर्स भी खा लेते हैं ये तर्स खाते हैं या आपकी कोई गॉड ग नहीं? मैं, मैं समझता हूँ वसीम के जब अल्लाह ताला ने आपको किसी मकाम पर पहुँचाया हो तो बहुत सारे लोगों का हक होता है आप पर बहुत सारे लोगों का हक हाँ होता है तो मेरे पे बहुत सारे लोगों का हक हाँ है मैं समझता हूँ जो जामपुर में राजनपुर में डीजी खान में रहीम यार खान में या आ, खानपुर कटोरम मैं वहाँ उन बच्चियों को जाके क्यों सिखाता हूँ कि मेरा हक़ हाँ है कि अल्लाह ने मुझे इस रुतबे पे पूछाया तो मैं उनको घरों में जाकर तरकीब दूं और मैं सिखा रहा हूं मेरी पूरे पाकिस्तान में तो मैं उनके ऊपर तर्क नहीं खाता मैं समझता हूं कि मैं शायद कोई एक बच्ची ऐसी हो जिसकी वजह से मेरा अल्लाह ताला मेरी आकबत अच्छी कर दे। मैं उसको रोजगार पे खड़ा कर दूं दे तो दे जिसकी मैं है कि मैडम हमारा जैसा कि हमारी प्रिंसिपल है इन्होंने पिछले साल 500 सौ मुस्त बच्ची को फ्री ऑफ कास्ट सिखाया किसी से कोई हमने पेमेंट नहीं लिया फ्री ऑफ कास्ट और उन बच्चियों का प्रूफ है कि वह इस बात टाइम रोज़गार पे लगी हुई हैं कोई जॉब कर रही है कोई अपना सैलून कर रही है कोई बाहर चली गई है ये रिकॉर्ड है मैं दे फख्र से ये बात करता हूँ कि मेरा स्टाफ मेरे लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नाजीन आप तो देख रहे हैं दुनिया तो बहुत खूबसूरत है लेकिन जब इस तरह के खूबसूरत लोग नहीं होंगे ना तो शायद वो दुनिया उस तरह नहीं चल पाएगी ये यही वजह कि अल्लाह के नेक बंदे को बंदियाँ हमारे मुल्क में पाकिस्तान में मौजूद हैं तो ये निज़ाम चल रहा है और हमारी बहनें स्पेशली जो खवातीन हैं जिनको बड़ी हर्डल्स आती हैं खासकर सीखने में आ, एक मैं शो कर रहा था सर वहाँ पे कुछ बच्चियाँ आई हूँ कहती हम सीखना चाहती हैं तो मैंने एक रेफ़र किया फ आप चले जाएँ सैलून पर अच्छा कॉलेज भी है तो वेरी नेक्स्ट वो उनकी कॉल आई कि सर वो इतने कॉस्टली हैं वो तो इतने पैसे मांग रही हैं इतने महीने का कोर्स है हम कैसे कर सकती हैं तो हम तो हफोर्ड भी नहीं कर सकती लेकिन फिर आपसे मुलाकात हुई आपने बड़ी फेवर दी तो मैम हमारा सबसे पहले बताएं आपने सीईओ साहब को कैसे पाया एक बियंग इंसान पहले हम ना एक इस तरफ आते हैं ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है मतलब हर तरह से आप देखें कि आप किसी भी फील्ड में इनको ले लें आप अपनी प्रोफेशनल फील्ड में ले लें ले, तो बहुत अच्छे टीचर हैं बहुत अच्छे इंसान हैं एक जैसे केयरिंग आपकी मतलब मैंने स्टाफ के तौर पे भी इनके साथ काम किया तो एक जैसे आपको समझने औरत जब बाहर निकलती है तो उसको बहुत मुश्किल आती हैं तो जब आप आपके साथ इतना अच्छा टीचर हो आपका इतना अच्छा जो है वो सर मिले आपको तो फिर आप जो है ना फ्री ऑफ हैंड काम करते हो बिल्कुल खुल के काम करते हो आपको कोई टेंशन नहीं होती घर की बाहर की तो बहुत अच्छे टीचर हैं बहुत अच्छे इंसान हैं तो ये वही लोग जानते हैं जो इनसे मिलते हैं आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ सर ये सच्चा वाक्य आज पहले आपसे मैं ये लाइव शेयर कर रहा हूँ मैं आपको पता डिफरेंट कर क्लास करता रहता हूँ जितने मुझे थोड़ा बहुत आता है तो वहाँ पर मुझे खातून मिली तो मैंने कहा मैं एक प्रोग्राम करने जा रहा हूँ हमारा मॉर्निंग शो है तो उसमें मैं सर चौहान के साथ ना वो थ्रू आउट उन्होंने मुझे गाइड भी किया है हमें सिखा भी रहे हैं साथ चल रहे शी सेड कि चौहान सर वेरी कमिटेड पर्सन है ऑनेस्ट पर्सन है और अपने काम के मास्टर हैं आप ब्लाइंड जाएँ उनके पास आपको मज़ा भी आएगा काम करने मैंने का, आप कहा आप उनको जानती हैं वो कहते हैं उन्हें कौन नहीं जानता सिर्फ ये उनकी आज ये है कि वो अपने आप को ज़रा हाईलाइट कम करते हैं तो मुझे बहुत खुशी और प्राउड फील हुआ कि सर मैं आपके साथ काम करने जा रहा हूँ ये, ये, ये आपकी मोहब्बत है मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और मेरी माँ बाप की दुआएं हैं और मुझे उन बच्चियों की दुआएं हैं उन बहनों की बेटियों की कि ऑल पाकिस्तान पशावर टू कराची वसीम आप मेरे साथ विजिट करो मैं जिस सैलून पे चाहो मैं सिर्फ जाके बैल दूंगा और अंदर आने के लिए मुझे ये ऐसे होगा जैसे मैं अपनी बेटी के घर अपनी फैमिली के घर अपनी बहन के हूं। और अक्सर लोग तो कंपनीज़ वाले जब मुझे कोई लेके जाते हैं ना टेक्निकल तो वो कहते हैं कि कि मुझे हमें तो लगता है कि आप पूरे पाकिस्तान के अंदर मैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं बच्चों को प्रमोट करूं यानी स्पेस देता हूं जगह देता हूं आज कोई भी टीवी चैनल उठा के इस्लामाबाद का देख लें 90 परसेंट अलहमदल्ला मेरे सिखाए हुए बच्चियां बच्चे इस टाइम चीफ मेकअप आर्टिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट हैं जो चैनल पे कर रहे हैं और बाकी हमारे पूरी पिंडी में, में मेकअप आर्टिस्ट बैठे मैं चैलेंज कर रहा हूं कोई एक साबित कर दे जिसने एक को जॉब पे लगवाया हो एक को एक मेकअप आर्टिस्ट हो बल्कि कहना नहीं चाहिए एक दो मेकअप आर्टिस्ट फ्रेंड है तो उनके सिस्टर ने कहा कि हमें जॉब दिलवा दे तो मुझे स्पेशली उस मेकअप आर्टिस्ट ने कहा खबरदार अगर इसको मेकअप जॉब पे लगवाया तो ये सोच हो तो ये गॉड गिफ्टेड सब एक शेर है ना कि दुनिया में खलूस है मसलत का नाम बेलॉस दोस्ती के ज़माने गुजर गए अब हर बंदा सेल्फिश हो गया और खासकर ये इस फील्ड में इतना कंपटीशन आ गया कि एक बच्ची आती है वो एक सैलून पे काम करती है जो ट्रेनिंग लेने की वो समझती है नहीं ये तो कुछ काम ही नहीं है वेरी नेक्स्ट वो अपना सैलून बना लेती हैं या और के कोई इन्वेस्टर ऐसे आ जाते हैं तो सैलून बन जाता है फिर वो लोगों को हायर करते हैं फिर ऐसा होता है ऐसे सैलून जितनी जल्दी शुरुआत होती है आगाज़ होता है वो बंद भी हो जाए श्योर ये ग्रास रूट लेवल से टेक्निक्स है बेसिकली ये खातून के साथ उसकी स्किन के साथ अगर कोई ऐसा ब्लफ हो जाता है कैसा ऐसा आ, मिस हो जाता है तो वे भी होती हैं लेकिन आप जैसे माशा सिखाते हैं और हर चीज़ एक लेवल पर जाकर ले बेटा आप ठीक है ओके okay, आप यू कैन गो तो वो सरवाइव भी करते हैं और हमेशा उनकी दुआएं आपके साथ आज अच्छे लफ्ज़ हम लोग याद करते हैं सर आज चूंकि पहला शो है मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी मुझे बताएं कि आज क्या होने जा रहा है एज जो हमारा जो पीछे मेकअप हो रहा है वसीम आज मेरे साथ जो हैं बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी की और एक लाहौर की मेरे पास बहुत ही अच्छी आ, स्किन की स्पेशलिस्ट भी हैं समझ लें और हेयर की भी हैं मेरे पास ندا आसिम है जो आज मेहंदी मेकअप के ऊपर जो है आईलैशेस जो है वो फंकी कलर की लगा रही हैं और मेरे साथ हैं चौहान्स ब्रांड की एक बहुत सुपर स्टार मेकअप आर्टिस्ट हैं एक पूरा हमारी वो फ्रेंचाइज जो है पूरी एक ब्रांच जो है माशाल्लाह बहुत बड़ी वो चला रही हैं मैडम मुकद्दस। वो हैं मेरे साथ आज वो मेकअप कर रही हैं एक है मेरे साथ मैडम मुनवर मुनीर हैं जो कि बिलोंग टू कराची लेकिन वो यहाँ शिफ्ट हो चुकी हैं okay. और वो ब्राइड बना रही हैं और इसी तरह नायमा है मेरे साथ जो मेकअप कर रही हैं तो आज ये चार लोग हैं जिसको हैंडल कर रही हैं मैडम हमारा okay. और ये अभी जाएंगी उधर और जाके सबको हैंडलिंग करेंगी और सबको अप्रिसिएशन देंगी okay. कि देखें आप बहुत अच्छा कर रही हैं आपको क्या कर तो ये आधारे चलती तब हैं चीज़ें चलती तब है कोई अप्रिसिएशन मिलती है तो अप्रिसन ना हो तो फिर नहीं चल सकता ये रियलिटी है कि जब तक आपको कोई अप्रीशिएट नहीं करेगा बेशक जितनी मर्जी मेहनत करें तो शायद उसके रिजल्ट भी नहीं आते और हमें हमेशा अप्रीशिएट भी करना चाहिए और ये बहुत इतहाई जरूरी खास है खासकर वो बंदा जिसमें कोई पोटेंशियल है कोई ऐसी क्वालिटी जो अल्लाह तौल ने उसको दी हुई है तो अगर उसको अप्रेशिएट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा उसको तो बहुत अच्छा लगेगा तो नाजरीन सूरतीली ये है कि इतना खूबसूरत देखें हमारी जो मॉडल्स हैं तैयार हो रही हैं ब्यूटिशियन बड़ी मेहनत कर रही हैं तो क्यों ना उनका कोई काम भी हम देख लें तो आपकी इजाज़त सर जी जी श्योर आप सबका तो बल्कि उन ब्यूटिशियन से आप बात भी करें मैडम हमारा के साथ जाके ताकि उनको पता चले कि स्पेशली वसीम भाई आए हुए हैं रॉयल टीवी से तो आ, उनका नाम उनका जो भी जितनी देर से वो काम करी ज़रूर बताएं आप ओके जी इससे पहले कि मैं आ, आपको सारी वो जो टेक्निक्स यूज़ हो रही है वो आपको दिखाऊँ लेते हैं एक प्यारी सी लवली सी ब्रेक श्योर सा ब्रेक